हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक अगेन टू दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद सुमित एसएसबी विन। ऑल राइट, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव ऑलरेडी सीन द थंबनेल जिसमें मैंने लिखा है क्या सही और क्या गलत। करेक्ट, ये टॉपिक जो है ये थोड़ा सा सेंसिटिव इन नेचर है, बट इट इज वेरी वेरी रिलेटेड, वेरी मच रिलेटेड टू द प्रोटोकॉल्स विच यू हैव टू फॉलो आइडियली एट एसएसबी। सो मेरे को ये वीडियो या ये ट्रेनिंग सेशन का कंटेंट बनाना पड़ा, तो प्लीज आप इसको एक लॉजिकल वे में सुनने और समझने की कोशिश करें। अपनी भावनाओं को थोड़े टाइम के लिए प्लीज थोड़ा साइड रखें। ऑलराइट, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे थंबनेल में, एक स्टूडेंट मेरे पांव छू रहा है, उसने एक जगह हाथ भी फोल्ड किया है, ही इज ट्राइंग टू ग्रीट मी। तो क्या ये गलत है अपने गुरु को सम्मान देना, अपने ट्रेनर को, इंस्ट्रक्टर को, या एज वाइज भी मैं उस एज में काफी बड़ा होऊंगा, तो क्या ये गलत है या सही? ऑब्वियसली हम जिस देश से बिलोंग करते हैं, ट्रेडिशन, संस्कार जिसको कहेंगे, उनके हिसाब से ये बहुत सही है। आज भी स्कूल से पास आउट हुए, मेरे को कितना भी समय बीत गया हो, मैं अगर अपनी कभी ओल्ड किसी टीचर, किसी मेंटर या ट्रेनर के सामने जाता हूं तो मैं उनका पैर छू के उनके आशीर्वाद लेता हूं। यही काम मैं अपने बड़ों के लिए भी करता हूं। इनफैक्ट कोई अगर मेरे से 2 महीना 3 महीना भी बड़ा है और अगर वो रिश्ते के हिसाब से मेरे से बड़ा है तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि अगर उसको डिस्कम्फर्ट फील ना हो तो मैं यही प्रैक्टिस करूं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है। ग्रैटिट्यूड जो मैंने एक सीरीज में ही बताया था, इट इज अ वेरी बिग ह्यूमन वर्च्यू, यू नो, थैंकफुलनेस एंड ऑब्वियसली गिविंग रिस्पेक्ट। ऑलराइट, बट वो मेरी पर्सनल लाइफ है। अब हम आते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पे या फिर जनरली इन डिफेंस फोर्सेस में क्या पॉसिबल है, क्या इन प्रैक्टिस है और क्या आपको करना है। देखो, जैसा देश वैसा भेष होता है। करेक्ट, तो डिफेंस फोर्सेस में अगर आपको किसी को रिस्पेक्ट देनी है तो उसका वेल डिफाइंड प्रोसीजर है, जो कि आपने भी देखा होगा, वो सैल्यूट है। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी की अलग अलग सैल्यूटिंग यू नो पैटर्न्स हो सकते हैं, बट वही है, उसमें भी बहुत सारे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। आप कब कर सकते हो, नहीं कर सकते, किसको करनी है, आप यूनिफॉर्म में हैं, कैप पहन नहीं रखी, ये एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है, बेसिकली सब्जेक्ट ऑफ ट्रेनिंग भी है और ये आपको थ्योरी में भी बताई जाती है। करेक्ट, तो भूल कर भी सर्विस सिलेक्शन प्रोसेस के पूरे यू नो 5 डेज के टेन्योर में आपको किसी भी ऑफिसर का, इंस्ट्रक्टर का, ट्रेनर का, किसी का भी पैर नहीं छूना है और ना उनको ऐसे हाथ जोड़ के नमस्कार करना है, बिकॉज दैट गोज अगेंस्ट द प्रोटोकॉल और वहां का जो जनरल प्रैक्टिस है। वहां वेल डिफाइंड है दैट इफ यू वॉन्ट टू शो रिस्पेक्ट और एक्नोलेज देयर प्रेजेंस, यू कैन विश देम द ग्रीटिंग ऑफ द डे, that too confidently. Greeting of the day means morning, afternoon and evening. Good morning sir, good morning ma'am, good evening sir, good evening ma'am, good afternoon sir, good afternoon ma'am. Again good night आप अपने साइड से नहीं बोलेंगे। अगर वो आपको good night बोलते हैं या बोलती हैं, you will wish him or her back good night ma'am, good night sir. सिंपल एंड स्ट्रेट। इसके अलावा मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि मैं प्रैक्टिकल लाइफ में ये खुद भी देख रहा हूं, मैं कहीं पे भी जा रहा हूं या और भी जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, सीनियर्स हैं, वो जैसे ही कहीं पे जा रहे हैं बच्चे उनका पैर छू रहे हैं। वी लव यू ऑल एंड आई रिस्पेक्ट द कल्चर जो आपके पेरेंट्स ने आपको दिया है, बट बच्चे दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म। आप अभी से आदत डालो, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से अपने टाइम पे देखा था कि अगर ये इनबिल्ड अंदर आपके ये मतलब ये प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे ना, तो कई बार ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली आप वहां पर ये कर बैठोगे, विच विल बी अनफेवरेबल
ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ यू नो मिशन रिकमेंडेशन। तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, रिगार्ड्स, रिस्पेक्ट अंदर रखो। इनफैक्ट मैं बहुत या हमारे जैसे जो भी और हैं बहुत रिस्पेक्टेड फील करेंगे अगर आप सच्चे दिल से अपने आप को ट्रेन करो, और अगर आप रिकमेंडेड होंगे उससे बड़ी टोकन ऑफ थैंक्स, टोकन ऑफ रिस्पेक्ट हमारे लिए और कुछ भी नहीं होगा। तो प्लीज आप इसको याद रखें और इसको प्रैक्टिस में लाएं। जय हिंद।